Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing area under the curve and this is video lecture number 5. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे. और आज हम बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व का, और पिछली क्लास में जो किया था उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है. आज सीखने वाले हम लोग कि हाउ टू फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द टू कर्व इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट वे. So first of all, I'm going to take on a question. Question is, find the area enclosed by a region XY such that XY such that X square 4x square plus 4y square is less than equal to 9 and y square is less than 4x. Y square and y square is less than 4x. ये condition ऐसे लिखा रहता है, ये इस तरह से. तो दो बातें लिखी हुई है, y square is less than 4x and 4x square plus 4y square is equal to 9. ऐसे लिखने से ये होता है कि एक ये तरीका है कि इनके बीच में इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हुए आपको एरिया निकालना है. तो ये कौन सा एरिया होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है कि y square is less than 4x और 4x square plus 4y square is less than 9. क्लियरली ये देख के आपको लग रहा है कि एक पक्का क्या होगा, ये जो होगा एक सर्कल ही होगा, है ना. तो ये एक सर्कल है, कुछ नहीं, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, जरा देखते हैं. ये 4x square plus 4y square is equal to 9 दिया हुआ है ना. इसका मतलब हुआ कि x square plus y square is equal to 9 by 4. इसका मतलब हुआ x square plus y square is equal to 3 by 2 का होल स्क्वायर. यानी कैसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है, रिप्रेजेंट ए सर्कल, इट रिप्रेजेंट ए सर्कल व्हिच सेंटर इज व्हिच सेंटर एट ओरिजिन व्हिच सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज व्हाट रेडियस इज 3/2. ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो दूसरा वाला है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y square is equal to 4x रिप्रेजेंट ए पैराबोला, पैराबोला व्हिच एक्सिस इज वेयर x एक्सिस एंड वर्टेक्स इज ओरिजिन एट ओरिजिन. ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्स एक्सिस, वाई का पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट कौन सी है, सिंस पावर इवन है तो ये होगा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. यहां लिख देता हूँ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सो दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट symmetrical about x-axis. y का power even है तो x के symmetrical है, और ये जो है ये किसके symmetrical है, ये जो है symmetrical about both axis, symmetrical about both axis, both axis. ठीक है, तो ये सब बातें तो आपको समझ में आती है. अब आप करते हैं इसको प्रोग्राम. तो क्या होगा अगर एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, तो ये देखते हैं ये सर्कल हमने ड्रॉ किया. ठीक है, बहुत सुंदर नहीं है लेकिन आप इसी से काम चलाइए. ठीक है, और ये सर्कल में हम क्या करते हैं, रेडियस ये है इसका सर्कल, ये है सेंटर कितना 3.2.0 और इधर है -3.2.0, ऊपर में भी होगा. और जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह का है, y का पावर इवन है तो ये x के सिमेट्रिकल कुछ इस तरह का पैराबोला है. अब आपको एरिया निकालना है, वो क्या है, ये है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये है जो सर्कल वो क्या है,
x square plus y square is equal to 9 by 4. इनके बीच का एरिया निकालना, लेकिन ये बात कैसे पता चलेगी? अब जैसे 3 by 2 है, तो इसके बीच में 1 भी होगा. इसमें जो इनइक्वालिटी दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए, y square is what less than 4x and x square plus y square is less than equal to 9 by 4. देखिए 0 0 इसमें सेटिस्फाई करके देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, 0 0 less than 9 by 4, yes this is correct. इसका मतलब सर्कल के अंदर का एरिया निकालना है. यहां पे अब इसमें कैसे पता चलेगा कि इधर का एरिया निकालना है कि इधर का निकालना है, तो आप कोई एक पॉइंट रख के देख लीजिए. जैसे ये 3 by 2, 0 ही रख के देख लेते हैं. तो y 0 रखोगे तो 0 square 0 is less than 4 into 3 by 2, yes this is correct. इसका मतलब इसके इधर और इसके इधर का हमें एरिया निकालना है. इसका मतलब हमें पूरा ये एरिया निकालना है. कौन सी एरिया निकालना है जी? ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है, ये पूरा एरिया हमें निकालना है. तो कैसे निकालें? अब इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं. एक तरीका यह है कि अगर हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें और यहां से पैराबोला का इसका एरिया निकाल लें, किसका, ये पैराबोला का, और यहां तक निकालेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, और फिर यहां से यहां तक सर्कल का निकालें और दोनों को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पूरा एरिया निकल जाएगा. जैसे मैं ये कह रहा हूं कि इसका एरिया निकाल लूं, यहां से यहां तक इसका एरिया निकाल लिया जाए तो ये निकल जाएगा एरिया पूरा, ठीक है, और फिर इधर का सर्कल के रिस्पेक्ट में एरिया निकाला जाए तो ये एरिया निकल जाएगा, है ना, और इन दोनों को प्लस करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. लेकिन ये सारी काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करेंगे. क्यों? क्योंकि हम एरिया एक दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं. कौन से तरह से निकाल सकते हैं? यहां से यहां तक, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक सर्कल का वाई एक्सिस के अलोंग एरिया निकालें तो ये एरिया निकल जाएगा पूरा, है ना, और उसमें से हम पैराबोला का माइनस कर दें तो भी एरिया निकल जाएगा. तो ये डिसाइड करेगा कि लिमिट कितना सुंदर आ रहा है, मतलब कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कौन सा पॉइंट अच्छा आ रहा है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे. वैसे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं. आपको कौन सा पसंद है बताइए, वही कर देंगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वही कर देता हूं, ठीक है. तो ये है x, ये है y, ये सर्कल का एरिया है और हमने इसको बनाया है इस तरह से. तो पहले सॉल्व करते हैं. सॉल्विंग, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 4. y स्क्वायर की जगह पे 4x रख देते हैं तो 4x माइनस 9 बाई 4 इज इक्वल टू 0. अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो 9 4 जा 36 हुआ 36. तो इसको 18 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं. 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. यहां से 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 9, और यहां से 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. क्यों होगा? यहां से अगर हमने कॉमन ले लिया 2x तो क्या मिल जाएगा? यहां से 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 9, और यहां से 1 कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हुआ कि या तो 2x माइनस प्लस 9 कॉमन ले सकते हैं और यहां से मिलेगा 2x माइनस 1 0. इसका मतलब या तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 होगा या x इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2 होगा. बट x इधर में निगेटिव होता है, ये रिजेक्ट करेंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं, रिजेक्टेड. तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो गया. अब x के कोरिस्पोंडिंग y की वैल्यू क्या होगी? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई 2, दैट इज 2. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड देयर फोर y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2. ये आ गया, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 1 बाई 2 कॉमा रूट 2 यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 1 बाई 2 कॉमा माइनस रूट 2. तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है. 1 बाई 2 आपको अच्छा लगता है कि रूट 2 अच्छा लगता है बताइए? तो 1 बाई 2 ठीक है, अच्छा 1 बाई 2 से निकाल लेते हैं. तो क्या करेंगे हम एरिया निकालने के लिए, कि
पैराबोला का एरिया यहां से लेकर के ओरिजिन, यहां पे जीरो जीरो कोऑर्डिनेट है ना, जीरो से लेके वन बाई टू तक पैराबोला, और वन बाई टू से थ्री बाई टू तक क्या सर्कल, ठीक है, जीरो टू वन बाई टू एंड फिर वन बाई टू से थ्री बाई टू, ये कैलकुलेट कर लेते हैं. सो एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो टू वन बाई टू वाई डी एक्स अलॉन्ग पैराबोला प्लस वन बाई टू टू थ्री बाई टू वाई डी एक्स अलॉन्ग सर्कल, ठीक है, फॉर सर्कल. तो आप यहां पे लिखेंगे पैराबोला के इक्वेशन में से क्या, देयर फोर एरिया इज इक्वल टू ये जीरो टू वन बाई टू, वाई का मतलब क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स था, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया टू अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस ये वन बाई टू से थ्री बाई टू तक, इसमें वाई क्या होगा, तो ये होगा अंडर रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. और इस पूरी एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, टू से. क्यों टू से, क्यों, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करने से पूरा एरिया निकल जाएगा. यहां पर भी टू से पूरा को मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना, इसको टू से मल्टीप्लाई करना चाहिए. टू से क्यों, क्योंकि आप देखिए कि यहां पर ये जो हम निकाल रहे हैं इससे मिल रहा है यहां से यहां तक का एरिया प्लस यहां से यहां तक का ये एरिया, तो सिर्फ ऊपर वाला मिल रहा है ना, और ऊपर वाला मिल रहा है इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा निकालना है तो डबल करना चाहिए, इसलिए हमने पूरी एरिया को टू से मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहां पर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, टू ये बाहर आ जाएगा, यहां पर अभी पूरे ब्रैकेट के बाहर नहीं आएगा लेकिन यहाँ टू बाहर आ जाएगा. रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री एक्स का पावर थ्री बाई टू, कहां से कहां तक जी, तो जीरो से वन बाई टू तक, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, स्मॉल ब्रैकेट दे देता हूं, ठीक है. प्लस यहां पे क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू नाइन स्क्वायर बाई फोर डिवाइडेड बाई टू नाइन बाई एट साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई थ्री बाई टू यानी टू एक्स बाई थ्री, ये हो गया कहां से कहां तक, वन बाई टू से थ्री बाई टू तक, ठीक है. सो व्हाट टू डू, अब इसको कैलकुलेट करते हैं. हाँ देखिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सबसे पहले वन बाई टू रखना है, वन बाई टू का पावर थ्री बाई टू का मतलब वन बाई टू रूट टू हो गया, ये टू इंटू टू फोर, फोर बाई थ्री, जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर अब इस टर्म में सबसे पहले थ्री बाई टू रखेंगे तो थ्री बाई टू का होल स्क्वायर नाइन बाई फोर, नाइन बाई फोर माइनस नाइन बाई फोर जीरो, पहला टर्म जीरो आ जाएगा, माइनस फिर वन बाई टू रखेंगे तो वन बाई टू यहाँ रखेंगे तो वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू वन बाई फोर, और यहाँ पे वन बाई टू रखोगे तो वन बाई टू का होल स्क्वायर वन बाई फोर, नाइन बाई फोर माइनस वन बाई फोर एट बाई फोर, एट बाई फोर दैट इज टू, और अंडर रूट टू बच जाएगा, तो ये पहले टर्म का हो गया. दूसरे टर्म में फिर रखेंगे यहाँ पे नाइन बाई एट, यहाँ टू बाई थ्री है, थ्री बाई टू जब रखेंगे तो ये कट के वन हो जाएगा, साइन इनवर्स वन का मतलब पाई बाई टू हो गया, फिर माइनस वन बाई टू रखेंगे तो ये टू से टू कट जाएगा, साइन इनवर्स वन बाई थ्री रह जाएगा. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया. अब ये क्या होगा, ये टू रूट टू से फोर कट जाएगा रूट टू टाइम्स, तो टू से टू 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 जब फोर एंड रूट टू से टू कट जाएगा रूट टू टाइम्स अपॉन थ्री, यहां से मिल जाएगा क्या, माइनस रूट टू से कट के वन अपॉन टू रूट टू, राइट, अच्छा वन अपॉन टू रूट टू यहां से मिल गया, प्लस यहां से क्या मिल जाएगा नाइन बाई नाइन पाई बाई सिक्सटीन, नाइन पाई बाई सिक्सटीन माइनस नाइन बाई एट साइन इनवर्स वन बाई थ्री, ठीक है. अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा और ये पूरा चीज किससे मल्टीप्लाई है, टू से, तो दैट विल बी टू इन टू, यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री, ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री इसको एलसीएम लेंगे तो टू टू जा फोर, फोर माइनस थ्री और ये हो जाएगा यानी वन, वन अपॉन सिक्स रूट टू, सिक्स रूट टू प्लस नाइन पाई बाई सिक्सटीन माइनस नाइन बाई एट साइन इनवर्स वन बाई थ्री,
अब मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो वो हो जाएगा 1/3 रूट 2 प्लस 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1/3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इज आंसर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी चाहो तो अच्छे में लिख लिख सकते हो, लेकिन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रीजन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रीजन, बाय द रीजन, what is that enclosed by the region xy, right, such that y is greater than 0 and less than x square plus 1, and the second y lies between 0 to x plus 1 and x lies between 0 to 2, ye region likha hua hai। अब इस तीन इक्वेशंस के बीच में जो एरिया इंक्लोज्ड है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसकी एनालिसिस जरूरी क्या है, y इज इक्वल टू जीरो, एक कर्व मिलेगा y इज इक्वल टू जीरो, दूसरा लाइन लेनी हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तीसरा यहाँ भी y इज इक्वल टू जीरो है और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टू। So these are few equations that has been given, not only three but here 2, 4, 5 equations are given. We have to conclude the common region which is surrounded by all these five. So पहला चीज कि ये जो बड़ा छोटे वाले की तो बाद में बात कर लेंगे, ये देखते हैं कि y is equal to x square plus 1, y is equal to x plus 1 एक लाइन होगा और y square is equal to x plus 1 एक पैराबोला होगा। इन दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो सॉल्विंग y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां मिल जाएगा जीरो x माइनस एक्स स्क्वायर, वन से वन कट के जीरो, यानी x कॉमन ले लूंगा तो वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू वन, ये दो पॉइंट पे ये दोनों चीजें इंटरसेक्ट करेगा, एक जीरो जीरो पे और एक वन पे, एक्स वन तो वाई वन। क्या होगा ध्यान से देखिए, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस वन दैट इज वन। सो जीरो वन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन y x is equal to 1, तब y क्या हो जाएगा, 1 plus 1 that is 2, so 1 2 is another point of intersection, is other point of intersection, point of intersection of what, intersection of line and parabola। तो ये दो point of intersection आ गए, line और parabola। पहले parabola को structure हम करें कि कैसा होगा, एक तो 0 1 पे और एक 1 2 पे, दो जगह पे ये intersect करेंगे। पहले पैराबोला को स्ट्रक्चर करें कि पैराबोला होगा कैसा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख रहा है, इसका मतलब है कि आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन, एक्स का पावर इवन है, इसका मतलब है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट कहां, तो y एक्सिस। अब सेंटर कहां होगा, इसको पैराबोला को रिस्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग पता करते हैं कि सेंटर कहाँ होगा, वर्टेक्स कहाँ होगा। चलिए वर्टेक्स निकालते हैं, तो वर्टेक्स के लिए क्या कोऑर्डिनेट होता है पैराबोला में आपको पता होगा, वर्टेक्स होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ वाई की जगह पे क्या है, वाई माइनस वन है, तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दैट इज वाई इज इक्वल टू वन। तो वर्टेक्स जो होगा वो होगा जीरो और वन, जीरो और वन, सो देयर फोर वर्टेक्स इज एट जीरो कॉमा वन, क्योंकि पावर इवन है तो इसलिए ये अपवर्ड होगा। तो पैराबोला कैसा होगा ये अब पहले हम ड्रॉ करते हैं। पैराबोला का सेंटर होगा जीरो कॉमा वन पे, वर्टेक्स जो होगा वो जीरो कॉमा वन पे होगा। ठीक है, ये ऐसे
अगर ये मैं मान लू तो ये हुआ हमारा पैराबोला, ठीक है जी, ये हो गया पैराबोला। कौन सा पैराबोला? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये वर्टेक्स कहाँ है? ये है 0,1, ठीक है, यानी ओरिजिन इधर होगा। अब एक लाइन जो है वो इसको कट कर रहा है, कितनी जगह पे कट कर रहा है जी? जो लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये लाइन इसी से पास कर रहा है ना, ये लाइन 0,1 पे एक मिल रहा है और एक 1,2 पे मिल रहा है। 1,2 कहीं इधर पॉइंट होगा, ये एक्स वन है और इधर 2 होगा ये, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो ऐसे पास कर रहा है, इसका मतलब है कि जो लाइन है वो पास कर रहा है ऐसे, ये लाइन जो है ऐसे पास कर रहा है। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये लाइन है। अब इन दोनों के बीच का हमें रीजन निकालनी है, कौन सा क्या है? ये रीजन निकालनी है। अगर ये रीजन निकालनी है तो बहुत ही आसान है, लेकिन हमारे पास देखिए पिछला इक्वेशन क्या क्या है। y इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू का लाइन कहाँ होगा? ये अगर यहाँ पे वन है, ये है जीरो, ठीक है, तो ये ओरिजिन हो गया, तो जीरो जीरो हो गया। यहाँ पे आके क्या है? वन वन है, तो टू कहाँ पे होगा? टू होगा इधर, ये एक्स इज इक्वल टू टू का लाइन ये हो गया, ठीक है, ये टू का लाइन हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू टू ये हो गया, एक्स इज इक्वल टू वन ये हो गया, और एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो ये लाइन हुआ, वाई इज इक्वल टू जीरो ये लाइन हुआ, है ना, वाई इज इक्वल टू जीरो ये लाइन हो गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो ये लाइन हो गया, एक्स जीरो से टू के बीच में होना चाहिए, वाई जीरो से बड़ा होना चाहिए और वाई इनके नीचे होनी चाहिए। अब इसमें देखिए सेटिस्फाई करके कि क्या होगा, तो जो इनइक्वालिटी दी गई थी हमारे पास, ध्यान से देखने वाली बात है, इनइक्वालिटी दी गई थी कि वाई इज लेस देन एक्स प्लस वन, यानी लाइन के नीचे की लाइन के ऊपर, पहले तो यही बात पता करें कि लाइन के नीचे की लाइन के ऊपर y इज इक्वल लेस देन एक्स प्लस वन, हमारा इक्वेशन है लाइन का y इज लेस देन एक्स प्लस वन एंड ग्रेटर देन जीरो। सो अब यहाँ पे कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1,0 है या 0,0 है, वही देख लेते हैं। तो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, यस, y इज इक्वल टू जीरो एंड 0 प्लस वन इज वन, सो 0 इज लेस देन वन, मतलब इस लाइन के नीचे हमें एरिया निकालनी है। अब पैराबोला के ऊपर या नीचे ये देखना है, तो पैराबोला में भी अगर हम इक्वेशन में रखें तो ये क्या था पैराबोला? पैराबोला में था y इज इक्वल टू y इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें भी अगर 0,0 रख के देख रहे हैं तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब पैराबोला के नीचे, लाइन के नीचे, इस लाइन के इधर, इस लाइन के पैराबोला के नीचे, इस लाइन के इधर और इस लाइन के ऊपर, ये हमें रीजन निकालना है। तो ये रीजन निकालने के लिए क्या करोगे? ये रीजन निकालने के लिए हमें ये रीजन निकालना है, ठीक है, सो व्हाट टू डू, ये पूरा रीजन का एरिया हमें निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो अब देखिए कि ये पूरा रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये बीच वाला नहीं निकालना है। तो अगर हम 0 से 1 तक, जैसा कि मैं कह रहा था, 0 से 1 तक अगर हम लें किसका, पैराबोला का वाई डी एक्स, तो ये एरिया निकल जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा 0 से 1 तक अगर ले तो, है ना, ये पूरा एरिया निकल जाएगा। और 1 से लेकर के 2 तक लाइन का ले तो लाइन और इस एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकल जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 0 to 1, 0 to 1 वाई डी एक्स अलोंग पैराबोला, अलोंग पैराबोला प्लस 1 to 2 वाई डी एक्स अलोंग लाइन, ठीक है, ये हमें निकालनी है। तो अब पैराबोला के इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और लाइन के इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है, x प्लस वन। सो व्हाट विल कम, दैट विल कम हियर,
एरिया इज इक्वल टू 0 to 1, पैराबोला में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एंड यहाँ 1 to 2 लाइन में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 dx. सो व्हाट विल हैपन, दैट विल कम अप हियर. ध्यान से देखिए, एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया ये होगा. सो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3. 1 का इंटीग्रेशन x, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक. ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक. ठीक है, 1 से 2 तक. तो क्या होगा, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं. ये 1 बाई 3 प्लस 1, 4 बाई 3 माइनस 0 प्लस, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2, दैट इज 4 बाई 2, दैट इज 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इज 3 बाई 2. सो ये हो गया कि 4 बाई 3 प्लस 4 टू जा 8 माइनस 3 5 बाई 2, एंड दैट विल बी 4 टू जा 8 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 8 23 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट. ये हो गया आंसर. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन अब लेते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब. राइट, वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब. So how to deal with this question? ये देखिए, ये अगर मैं कहूँ y is equal to x का लाइन है, तो इसमें y is equal to x ये हो गया लाइन. थोड़ा गड़बड़ हो रही है, इसको थोड़ा सुधारते हैं. y is equal to x, पहले कर्व प्लॉट करें. y is equal to x cube का ग्राफ ऐसा होता है. सॉरी, ये होगा हाँ. और y इज इक्वल टू एक्स क्यू का कर्व ऐसा होगा, यानी जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा. ये कर्व कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए. कैसे पता चलेगा कि ऐसा होता है, पॉइंट ऑफ सॉल्व करने से. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं अगर तो ये ऐसा होगा. ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये लाइन है y इज इक्वल टू x. ये है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y डैश, और इधर है x डैश. एरिया कैसे निकालना, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो पता चलेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है. सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू x, सॉल्विंग दिस टू, सॉल्विंग सॉल्विंग y इज इक्वल टू एक्स क्यू एंड y इज इक्वल टू x, वी विल गेट एक्स क्यू इज इक्वल टू x, दैट इज एक्स क्यू माइनस x इज इक्वल टू 0. सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 0, 1 एंड माइनस 1, एंड y इज इक्वल टू x, सो y इज ऑल्सो 0. Therefore, y is correspondingly 0, 1 and minus 1. So, point of intersection are 0, 0, 1, 1 and minus 1, minus 1. ठीक है? ये point of intersection आ गए. इसका मतलब ये जो point हुआ, ये minus 1, minus 1 हो गया. ये जो point हुआ, ये 0, 0 हो गया. और ये जो point हुआ, 1, 1 हो गया. अब आप इनको इनके बीच का ये area निकालना है. ये area जो है, ये आपको निकालना है. So how to find this? ये एरिया निकालना है. तो अगर एक एरिया निकाले और दो से मल्टीप्लाई कर दे तो बात बन जाएगी. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 1 है, तो अगर 0 से 1 तक अगर मैं निकालूं लाइन का और इसमें से 0 से 1 तक इस कर्व का माइनस कर दूं तो बीच का एरिया मिल जाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि एरिया इज इक्वल टू 0 टू 1 वाई डी एक्स, किसका, लाइन का, माइनस 0 टू 1 y dx किसका, कर्व का,
और पूरे एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना है, टू से, है ना, टू से मल्टीप्लाई कर देना। सो व्हाट टू डू, लेट अस सी। सो एरिया इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 to 1 लाइन का क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 कर्व का वाई क्या था, एक्स क्यूब डी एक्स, और इस पूरे एरिया को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, टू से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, प्लस एक्स 4/4 कहां से कहां तक जी, 0 से 1 तक, ये हो गया 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो इन दिस वे यू गॉट दिस, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय टू डिफरेंट कर्व्स और मोर देन टू डिफरेंट कर्व्स, 3, 4, 5 का भी हमने करके देख लिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अपने घर पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा क्वेश्चन होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू हेल्प यू, एंड यू मे आस्क, यू कैन मेल अस एट arvindsinghacademy@gmail.com, एंड इफ यू वांट फर्दर स्टडी मटेरियल यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट www.arvindsinghacademy.com। तो इस तरह से आप मस्त रहें, करते रहें, आनंद रहें, आबाद रहें और खुशहाल रहें। थैंक यू वेरी मच।